2024 में व्हाट्सएप ने कई ऐसे बड़े बड़े अपडेट्स दिए जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी और आसान हो गई है, मतलब कुछ यूज करने में या फिर कुछ मैसेज वगैरह डालने में इसलिए वजह से। और 2024 में मार्च तक के जो भी अपडेट्स आए थे वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें से मैं सारे नहीं, सिर्फ 5 अपडेट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो कि मेन अपडेट्स हैं व्हाट्सएप के लिए। सबसे पहले आपको मेक श्योर ये करना है कि आपको अपना व्हाट्सएप जो है पहले प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लेना है, उसके बाद ये सारे अपडेट्स जो है आपके फोन में आपके व्हाट्सएप में आ जाएंगे। और ये 5 अपडेट्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो अभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताता हूँ आपको आगे के जो व्हाट्सएप के अपडेट्स है, तो मेन 5 है जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा आसानी होगी व्हाट्सएप यूज करने में। तो दोस्तों मैं अभी बताने वाला हूँ आपको जो व्हाट्सएप के अपडेट्स है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सिंपली अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। WHAT व्हाट्सएप, और यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट्सअप जो मेरा अपडेट है, लेकिन आपका अपडेट नहीं होगा तो प्लीज़ आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपका जो व्हाट्सअप है कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट्सअप में सबसे बड़ा अपडेट जो आया है वो है अकाउंट का मैनेज, मतलब आप एक व्हाट्सअप में 2-3 अकाउंट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको आपका व्हाट्सअप कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सअप के 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इस तरीके से आने के बाद आपको सिंपली एक QR दिख रहा है, इसके बाजू में एक स्विच होगा, इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आप अपना ऐड अकाउंट करके, मतलब आप अपना भी दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी है आप नया अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए। एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, आप अपना नंबर डालकर दूसरा अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और सिंपली आपको जब अकाउंट ऐड करेंगे तो वहाँ से आप बिल्कुल इजी तरीके स्विच भी कर सकते हैं, और अपना जो है व्हाट्सअप वहाँ से अकाउंट आप रिमूव भी कर सकते हैं। आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, हटाने का भी मिलता है, और ऐसा मतलब यहीं से आप ऐसा यहाँ पे जो सेटिंग है और यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे स्विच अकाउंट करके ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ व्हाट्सअप के सेकेंड अपडेट के बारे में। सेकेंड अपडेट क्या है कि आपको जैसे कहीं भी कुछ भी भेजना है, हाँ जैसे कि आपको आप देखते होंगे कि व्हाट्सअप में अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो जो है अपलोड नहीं होती, जाती नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो ये मेरा ही नंबर है और मैं यहाँ पे कुछ भी मुझे भेजना है तो मैं सिंपली जाऊँगा। पहले डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सिर्फ लिमिटेड था, लेकिन अब गैलरी से भी कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। सिंपली आपको जाना है डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपको ये चूज़ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आ रहा, पहले ये नहीं था लेकिन अब ये आ चुका है, क्योंकि आप गैलरी से कोई भी फ़ोटो को आप अच्छी क्वालिटी में डॉक्यूमेंट की मदद से भेज सकते हैं, जो कि पूरी पूरी अपनी ही ओरिजिनल क्वालिटी में जाएगी। सिंपली यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, आपको यहाँ पे कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मेरे फ़ोन में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये लोडिंग बहुत ले रहा है, और आपको कैमरे की इमेज में जाके यहाँ पे कोई भी इमेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली मैं यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों की इमेज, और आपको सिंपली इस पर टाइप कर देना है, ये जाएगी पूरी की पूरी ओरिजिनल क्वालिटी में, सारा का सारा डाटा जो है जाएगा, इसकी वजह से कोई भी क्वालिटी लॉस वगैरह नहीं होने वाला है। और इसकी वजह से आप कुछ भी डाटा भेज सकते हैं, कोई भी वीडियो आप भेज सकते हैं बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में। अब मैं बात करता हूँ व्हाट्सअप के 3rd नंबर के अपडेट की, मैंने क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपडेट है जिसकी वजह से आप अपना चैनल भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ अपडेट्स पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको कई सारे चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे मोदी जी का है, मनी व्यू का है, गैजेट 360, ये आपको चैनल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ आप अपना चैनल भी बना सकते हैं, आपको सिंपली ये प्लस वाले आइकन पे जाना है। प्लस वाले आइकन पे दबाएंगे आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिख होगा, यहाँ पे क्रिएट चैनल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आप अपना खुद का चैनल बना सकते हैं। और यहाँ पे आप चैनल नाम डालेंगे, अपनी DP डालेंगे, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना, क्रिएट चैनल पे करेंगे, आपका चैनल बन के रेडी हो जाएगा। और रेडी चैनल की वजह से आप जो है आप कुछ भी इसमें अपलोड करेंगे वो लोगों तक जाएगा, जो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखेगा या फॉलो कर रखेगा, और वो लोग वहाँ से मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ रिएक्ट कर सकें। जैसे आपने कुछ पिक वगैरह अपलोड करी तो आपकी पिक पे सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे इमोजी हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन वो लोग आपका मतलब आपका जो है आपको मैसेज नहीं कर पाएंगे। और जैसे टेलीग्राम के चैनल होते हैं उसी तरीके से ये भी वर्क करता है, इसको जैसे आप कोई बिजनेस वर्क है तो आप वहाँ पे अच्छा खासा अपना बिजनेस का डिटेल्स वगैरह जो भी आपके अपडेट आते हैं बिजनेस के, फोटो वीडियो कपड़े वगैरह जो भी है आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात करता हूँ इस महीने में जो भी अपडेट आया 4th अपडेट के बारे में, जिस भी वजह से आप अगर कॉल वगैरह पे बात करते हैं, व्हाट्सअप की कॉल से किसी की बात करते हैं, वो आपका IP एड्रेस निकालने को सोचता है, तो यहाँ पे जो है आपको फ़ायदा हो सकता है। व्हाट्सअप ने नया अपडेट लाया है जिसकी वजह से आप अपना IP एड्रेस प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली जाना है आपको ऐसे 3 डॉट पे जाना है, और यहाँ पे आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको
प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्राइवेसी के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना है, यहाँ पे आपको एडवांस का ऑप्शन मिल रहा है। एडवांस का ऑप्शन जाने पर यहाँ पे प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स, इसकी वजह से कोई भी आप जैसे फ्रॉड वगैरह में फंसते आपका आईपी एड्रेस निकाला जाता है तो यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से कई सारे आपको फायदे या नुकसान तो शायद कम ही है, फायदे बहुत हो सकते हैं। नुकसान शायद ये कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाए वगैरह वगैरह, लेकिन इसके ज़्यादा कुछ ऐसे कुछ है नहीं दिक्कत। लेकिन आपका जो आईपी एड्रेस जो कॉल की वजह से ट्रैक होता है, जो कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं वो ट्रैक करने को सोचते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से आप किससे बात कर सकते हैं और कुछ भी बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अपडेट के आखिरी ऑप्शन के बारे में, जो कि पांचवा ऑप्शन है और यहाँ पे अपडेट है, आप किसी भी चैट को लॉक कर सकते हैं। हालांकि आपको पता होगा लेकिन नहीं आता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली जाना है यहाँ पे, आपको चैट पे जाना है। चैट पे जाने के बाद आपको सिंपली आप उसी पर्सन की आप जो चैट है वो लॉक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको बैक ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सॉरी ये ग्रुप है, ग्रुप में शायद ना दिखे, लेकिन आपको सिर्फ एक पर्सन की इसमें जाना है। जैसे ये है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी इसमें जाऊँगा, लॉक चैट का ऑप्शन देख सकते हैं। अभी आप कंटिन्यू करेंगे और आप यहाँ पे जो है आपकी जो चैट लॉक हो जाएगी। लेकिन अब लॉक हो जाएगी आपको ये दिखेगी नहीं, आपको मैसेज आया हुआ दिखेगा कि मैसेज आ रहा है व्हाट्सअप में, लेकिन कहाँ आ रहा है। आपको सिंपली जैसे ये है, आपको एक बार ऐसे करेंगे तो आपको लॉक चैट का ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो यहाँ पे जो चैट जो थी वो लॉक हुई थी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप सिंपली बैक करेंगे, इसको पूरा बैक कर देंगे तो ये फिर वैसे ही हो जाएगा और इसकी वजह से आपको या फिर किसी को भी ऐसे दिखने वाला नहीं है। आपको सिंपली व्हाट्सअप पे जाना है, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो बंदा गायब हुआ है। आपको कुछ भी हो सकता है, जी भी है, जो भी। आप सिंपली इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लॉक चैट आ जाएंगी, सिंपली इस पर टाइप करना है, जो मेरे इसमें फेस लॉक लगा है उसकी वजह से लॉक खोल दे रहा है और आपको सिंपली चैट जो है आपको दिख जाएगी। ये थे कुछ पांच अपडेट्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।